इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में लोग रील और रियल जिंदगी में फर्क समझना ही भूल गए हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाने की चाह, फॉलोअर्स पाने के लालच ने कई लोगों की जिंदगी खराब की है। वहीं ताजा मामला है मुंबई का, जहां मुंबई पुलिस ने दो बहनों को बुजुर्ग दंपत्ति के घर चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों लड़कियां चोरी के पैसों से महंगे कपड़े खरीदकर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी। कालाचौकी पुलिस ने स्टेशन के सीनियर अधिकारी संजय मोहिते ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति अशोका गार्डन नाम की इमारत में रहते हैं। वहाँ उनके घर पर छाया विटकोली नाम की महिला नौकरानी का काम करती थी और वो उनके घर से थोड़ा थोड़ा कर सोना और पैसे चोरी करती थी। मोहित ने आगे बताया कि आरोपी दिसंबर महीने से ही चोरी कर रही थी और हालांकि जब इस बात का आभास बुजुर्ग दंपत्ति को हुआ, तब उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस से की। पुलिस के सक्के घेरे में नौकरानी को लिया और फौर छाया को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में छाया ने किसी भी तरह की चोरी करने से इनकार किया और जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और नौकरानी के पड़ोसियों से भी पूछताछ की, तब पुलिस का शक और गहराया। पड़ोसियों ने बताया कि छाया और उसकी बहन भारती कुछ महीनों से महंगे कपड़े और सोने के आभूषण खरीद रही है और लोगों को भी पैसे दे रही है। इसके बाद जब पुलिस ने दोनों के मोबाइल की जाँच की, उसमें देखा कि दोनों के कई अलग अलग कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम के वीडियो बनाए। ये सारे कपड़े महंगे थे, कुछ की कीमत 5,000 रुपए तो कुछ की उससे भी ज्यादा। मोहिते ने आगे बताया कि इन वीडियो और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर जब दोनों बहनों से पूछताछ की गई, तब जाकर उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्होंने चोरी की। आरोपी ने ये भी बताया कि जब शुरुआत में थोड़ी चोरी की, तब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति को पता भी नहीं चला। इसके बाद से उन्होंने थोड़ी थोड़ी चोरी करना शुरू किया और फिर एक दोस्त की मदद से उन्होंने डॉलर को कन्वर्ट भी कराया। चोरी किए गए सोने से आभूषण बनवाए आरोपियों ने, फिर उन महंगे कपड़े पहनकर उनका इंस्टाग्राम पर तरह तरह के वीडियो बनाए ताकि उन्हें लाइक्स और फॉलोअर्स भी बढ़ सके। मोहितों ने आगे बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट पे पेश किया गया है। उनके पास से अब तक 90% चोरी की सामग्री बरामद की जा चुकी है।